नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़ी अच्छी खबर अभी जस्ट मुझे मिली। अभी मैं वीडियो बना ही रहा था, आधी वीडियो मेरी बन चुकी थी, उसी दौरान एक कॉल आने के नाते मुझे जो है वीडियो भी दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो बड़ा अच्छा ही संदेश एक बच्चे के द्वारा मिला मुझे। सुपर टेट आपकी जो वैकेंसी 69,000 वाली थी, उसमें काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, एक ग्रुप जो हमारे लक्ष्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, पूरी ग्रुप उन लोग की थी 8-10 लोग की, वो 8 के 10 लोग टोटली सब के सब सेलेक्ट हो गए। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सबसे अच्छा जो मुझे लगा ये 8-10 लोग जो एक साथ सेलेक्ट हुए टेट से लेके सुपर टेट तक, विश्वास बनाकर वो लक्ष्य अकेडमी के साथ जुड़े रहे थे। लोगों ने बहकाने की बहुत कोशिश की, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, इलाहाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और उनके साथ के कई लोग इधर उधर हुए भी, लेकिन ये कुछ 8-10 की ग्रुप ऐसी थी जिन्होंने लगे रहे और ये 10 के 10 सभी के सभी सेलेक्ट हो गए। तो इस चीज़ से देखो, दिल्ली इलाहाबाद कहीं जाने से कोई बहुत बेनिफिट आपको नहीं होना है। हाँ, ये है कि 19-20 का फ़र्क आपको पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आपको पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो सिलेक्शन लेने की बात होती है वो अपने मेहनत पे होती है। हम सभी एक मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता मैं भी वही दिखाऊंगा, रास्ता वो भी वही दिखाएंगे, चलना आपको है, जो चलेगा वो सफल होगा, धक्का देके हम नहीं चला सकते। इसीलिए आप कहीं भी रहो, कभी अपना मन छोटा नहीं करो। आप बस्ती में हो तो बस्ती में ही रह के आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको अपना हौसला बना के रखना पड़ेगा। आप जहाँ भी हो वहाँ विश्वास बना के रखना पड़ेगा और सफलता आपको मिलेगी, ये तय है। ठीक है, बाकी मार्गदर्शन में जितना अच्छा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सकेगा, मैं लगातार और हमारे सारी टीम लक्ष्य अकेडमी की लगातार वो प्रयास करती रहती है कि कुछ नया हम लोग करके देते रहें आपको बार बार। ठीक है, तो आप सभी लोग बढ़िया से खूब मेहनत करिए और ऐसे ही खुशखबरियाँ जो है आप लोग हम लोग को सुनाते रहिए। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। टाइप 5 तक की बात हो गई थी क्लॉक की, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 6 पे। ठीक है, तो देरी किए बिना मैं फटाफट वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, दो डेस्टिनेशन के बीच में दिया होता है और वहाँ पर आपको टाइम बताना होता है। ठीक है, देखो कैसे, दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाज़ियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर एक रेल चलती है, मतलब दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है तो 55 मिनट पर आपको रेल मिलती रहेगी, हर 55 मिनट पर। पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चलता है कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली रेल 10:35 पर जाएगी। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिगर के द्वारा से बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फंसा के भी पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिगर के द्वारा ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, जहाँ से शुरू होगा जहाँ पहुँचेगा डेस्टिनेशन पॉइंट, उन दोनों को दो कॉर्नर पर रखना है, दिल्ली से गाज़ियाबाद, मुंबई से लुधियाना, ठीक है, पंजाब से यूपी, जहाँ भी चलना है दोनों कॉर्नर पे वो पॉइंट हो जाएंगे। अब बीच में हमेशा वो टाइम रखना है जिसके आगे पीछे आप जा सको। वैसे इस क्वेश्चन में है इंक्वायरी टाइम, जब आप इंक्वायरी लेने जाते हो तो आपको दो टाइम मिलता है, एक जो पिछला गया और एक जो अगला आएगा। ठीक है ना, तो पिछला दिल्ली वाला हो जाएगा, अगला गाज़ियाबाद वाला हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों के बीच की मिनट की दूरी कितनी है, 55 मिनट पर आपको वो ट्रेन मिलेगी। अब जब आगे क्वेश्चन पढ़े हैं, अगला कह रहा है, पूछताछ की खिड़की पर अशोक को पता चलता है कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है ना, जब इंक्वायरी करने अशोक पहुंचा, देखो बीच में मैंने लिखा है अशोक पहुंचता है तो उसको मालूम चलता है कि 20 मिनट पहले ही रेल जा चुकी है। ठीक है, तो पूरा 55 मिनट का था, देखो मैंने पूरा जो लाइन खींचा कितने का है, डी से लेके जी तक, दिल्ली से लेके गाज़ियाबाद तक 55 मिनट का खींचा है। इंक्वायरी जहाँ अशोक ने लिया वहाँ से कह रहा है कि 20 मिनट पहले वाला इधर चला जाएगा बाईं तरफ और बाद वाला इधर गाज़ियाबाद की तरफ, तो 20 मिनट पहले 55 में से 20 निकाल दिया, बचा कितना 35, मतलब अगली बस हमें कब मिलेगी, अगली रेल कब मिलेगी, 35 मिनट बाद मिलेगी। अब वो टाइम दिया हुआ 10:35, कोई ना कोई एक टाइम दे देगा। ठीक है, तो दिया है कि अगली रेल हमको 10:35 पर मिलेगी, तो वो हो गया। तो पूछ रहा है इंक्वायरी कब लिया, तो आप देखोगे 35 मिनट पहले उसने इंक्वायरी ली हुई होगी, तो 35 मिनट पहले आंसर क्या हो जाएगा, 10 बजेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज का। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं।
एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है, तो एक तरफ स्टैंड हो जाएगा, एक तरफ चेन्नई हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मिनट की। ठीक है, पूछताछ क्लर्क ने आदमी से कहा कि एक बस 10 मिनट पहले गई है, तो पहले मिनट पे चले जाएंगे हम लोग। एक मिनट, एक बस 10 मिनट पहले गई है, जस्ट अ मिनट। तो अगली बस 10:45 पर जाएगी, तो उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई, तो सेम वैसे ही लगाना है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, स्टैंड ऐसे स्टैंड होगा, उसी से चेन्नई हो गया। ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी 40 मिनट की, इंक्वायरी बीच में लिया जाएगा जो मैंने एरो करके दिया है, वहाँ से मालूम चलता है कि 10 मिनट पहले एक बस गई, तो अगली कब जाएगी, 30 मिनट बाद। समय क्या होगा, 10:45, समझ रहे हो ना सभी लोग। अब 10:45 से अब 30 मिनट पहले आओगे, बजेगा 10:15, ये हो जाएगा इंक्वायरी का टाइम, यही पूछा था। स्टैंड से बस छूटने की बात होती तो 10 मिनट और पीछे चले जाते, आंसर आ जाता, आ जाता आपका कितना, 10:05। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं, आता है ऑफिस का, है ना। 8:50 से 20 मिनट पहले, मतलब 8:30 बजे, 8:30 बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओ, केवल फिगर बनाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि बीच में वो टाइम रखना जिसके आगे पीछे आप जा सको, तो अब जब भी ये ऑफिस वाला आएगा तो हमेशा बैठक के समय को बीच में रखना, क्योंकि उसके जो पहले आएगा वो बाईं तरफ आ जाएगा, और जो उसके बाद में आ जाएगा उसके दाईं तरफ, हमेशा जिसके आगे पीछे आप बढ़ सको उसको बीच में रख दो। तो बैठक का समय जो निर्धारित होगा वो बीच में होगा, जो बैठक के समय के पहले आ जाएगा वो पहले, जो बाद में आएगा देर में आएगा वो बाद में। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना, अब सवाल पढ़ना आपको। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। 8:50 से 20 मिनट पहले, ठीक है ना, सतीश को यह मालूम हुआ, मतलब 8:30 बजे सतीश को यह मालूम चलता है कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया है, तो आप क्या करना है, बीच में जाना, 20 से 40 मिनट देर में चले जाना है, है ना। देखो, जो व्यक्ति 40 मिनट देर से, बैठक के समय से 40 मिनट देर से व्यक्ति जो आया है कॉर्नर पे, ठीक है ना। आगे सवाल क्या कह रहा है, आया है उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले सतीश आ गया है, ठीक है ना, उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले, किस व्यक्ति से, 40 मिनट देर से आया है, ये जो 40 मिनट देर से आया है कॉर्नर में जो व्यक्ति, उससे 30 मिनट पहले के लिए आपको फिर इधर आना पड़ेगा, मैंने कहा ना पहले के लिए इधर और देर के लिए इधर, तो 30 मिनट पहले आ जाओ, बैठक से लेके उस कॉर्नर तक की दूरी 40 मिनट की थी, 30 मिनट पहले आ जाओगे तो बचेगा कितना मिनट बैठक से और इस व्यक्ति के बीच में, सतीश के बीच में 10 मिनट का समय बचेगा। और सतीश कितने बजे आया था, 8:50 से 20 मिनट पहले, मतलब 8:30 बजे, तो सतीश आपका आया था 8:30 बजे, 8:30 ऊपर दिख रहा ना सतीश, ठीक है। अब 10 मिनट पहले बैठक शुरू हुआ होगा, सतीश से 10 मिनट पहले बैठक शुरू हुआ होगा, तो 30 से 10 मिनट पहले जाओ कितना, 8:20। तो ऐसा ही कुछ आसान से क्वेश्चन टाइप नंबर 6 में आता है, कुछ दम इसमें नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, ऐसे और कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो कल टाइप 5 के मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी से मिला लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये पहला क्वेश्चन रहा, कल के वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 5 का ये दूसरा क्वेश्चन, गुरुवार 9 AM आएगा, सुबह 9 बजे, और ये टाइप नंबर 3 का, सॉरी 5 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और कल दोपहर 12 बजे आपके घड़ी का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, उन 15 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 15 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा समय दे रहा हूँ, कल देखूँगा अगर हो सके तो कम समय कुछ कम भी कर सकता हूँ, लेकिन मान के चलिए 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट में दे सकता हूँ, उससे कम भी दे सकता हूँ, शायद 12 मिनट भी दे दूँ, तो कल जब मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 12 मिनट में करना है कि 15 मिनट में करना है, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन कल करना, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रखूँगा, ठीक है।
1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कल ग्रुप में मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने 6 प्रकार देखे होंगे और सबको समझ में आए होंगे। इन्हीं 6 प्रकार से ही मैं क्वेश्चन रखूँगा, 2-4 क्वेश्चन मैं अलग से भी रखूँगा, ठीक है। जितना मैंने बताया ये तो आप लोग कर लोगे, मुझे आशा है कि ये तो आप लोग कर लोगे। इससे निचोड़ निकाल के, निष्कर्ष निकाल कर आप इसके जैसे और भी कोई क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी मैं देखना चाहूँगा। तो 15 में से 5 क्वेश्चन वैसे भी रहेंगे, ठीक है। 10 तो हूबहू ऐसे ही रहेगा, 5 क्वेश्चन इसके निचोड़ से रहेगा, ठीक है। इसके कंक्लूजन से जो भी बातें आप देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो असली कंपटीशन उस 5 क्वेश्चन में रहेगा, ये 10 तो ऐसे ही रहेंगे, सभी लोग करोगे। जितने लोगों ने वीडियो देखा है सबके सब कर ले जाओगे। 5 क्वेश्चन में ही दम रहेगा, 5 क्वेश्चन में ही खेल है, उसी में जो जीतेगा वही जीतेगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और बिल्कुल निराश होकर मत बैठिए। जुलाई से कोचिंग शुरू हो जाएगी और फिर से सभी लोग एक एनर्जी के साथ लग जाइए। और वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जम के आएगी, क्योंकि यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इधर वैकेंसी आपकी आएगी। सभी लोग एकदम आसान्वित होकर लगे रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।